बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, अब तुम मेरी सुनो। आज के बाद तुम इस घर से बाहर मेरी मर्जी के बगैर नहीं जाओगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल ठीक होंगे, कुछ दिनों में हमारे साथ होंगे। तुम सही कह रहे हो ना हमसा, उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ भी नहीं। ये नाराजगी कब तक रहेगी? जब तक तुम मुझसे ये वादा नहीं कर लेती कि तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी जिससे मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। पार्टी मगर मारिया, अभी मेरा निकलना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं आ सकूंगी। नो वे, कोई एक्सक्यूज नहीं। अरे तुम्हारे लिए तो है ये पार्टी, और अगर तुम नहीं आओगे तो कैसी पार्टी? शायद तुमने शूट करवाया, उसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही हो। मैंने किसी न्यू लड़की का इतना ब्यूटीफुल लुक आज तक नहीं देखा। अरे तुम्हारे लिए तो है ये पार्टी, और अगर तुम नहीं आओगे तो कैसी पार्टी? तुम्हें आना है, वरना बॉस नाराज हो जाएंगे। क्या करूं, जाना भी जरूरी है ना, कहीं तो अजीब लगेगा। हेलो, सुबह सुबह फोन, सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है कबीर, बस नींद नहीं आई यहाँ ठीक से। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो खराब नहीं हुई तुम्हारी? तबीयत भी बस ठीक है, लेकिन आपको तो पता ही है कि घर का माहौल किस तरह का हुआ। घबराहट हो रही है मुझे, यहाँ दम घुट रहा है मेरा। जाहिर है फलक, वक्त ही ऐसा है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कहीं बाहर से हुआ हूँ, बाहर चली जाती हूँ। अगर तुम्हें घबराहट हो रही है तो मैं घर ले आता हूँ तुम्हें। नहीं कबीर, आप भी क्या सोचेंगे, आपको तो पता है क्या हालात है। अच्छा कबीर, वैसे रात में ना मेरी एक फ्रेंड की कॉल आई थी, उसका बर्थडे है। वो बेचारी तो इतना इसरार कर रही थी, उस वक्त तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन अब सोच रही हूँ कि वहीं चली जाऊँ, थोड़ा माहौल भी अच्छा हो जाएगा। अलग क्या हो गया तुम्हें, अभी घर में हादसा हुआ है और तुम पार्टी में जाने का सोच रही हो। तुम खुद सोचो, नवाल या सुल्ताना आंटी को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कबीर मेरी बात। फलक, मना कर दिया ना। अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ, बाद में बात करते हैं, ओके? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा नवाल, ये सब क्या हो गया। जिंदगी में कभी भी खुद को इतना बेबस नहीं पाया। मेरी बहन इतनी तकलीफ में, लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा। ये कैसी आजमाइश है यार। जिसने आजमाइश में डाला है वो ही निकालेगा। बस तुम सब्र से काम लेना, जख्म बड़ा है, मरने में भी वक्त लगेगा। नवीन कैसी है? वो तो बहुत घबराई हुई है, उसको जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल चुप सी हो गई है। उसे देखता हूँ तो दिल पे चोट सी लगती है, कभी इतना चुप नहीं रही, तो हर वक्त शरारतें करती रहती थी, लेकिन अब उसे ऐसी चुप लगी है कि कुछ बोलती नहीं, किसी बात का जवाब नहीं देती, बस एक जगह चुपचाप बैठी रहती है। जाहिर सी बात है, यतीमी होता ही ऐसा सदमा है। बच्चों से सबसे पहले उनका बचपन छिनता है, फिर उनके ख्वाब, फिर उनकी जुबान। लेकिन हमजा अभी वो बहुत छोटी है और बच्चों इस कंडीशन में नहीं है कि वो उसकी देखभाल कर सके, तो वे संभालना होगा। तुम दुआ करना ना होगा कि मैं सब संभाल पाऊँ, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं जानती हूँ कि मुश्किल है, लेकिन तुम्हें हौसला करना पड़ेगा। फिलहाल सिर्फ तुम ही सबका हौसला हो।
Hi, gorgeous. You're looking beautiful. Thank you. Is it this for you? वैसे माई पर ने खाम का इतना तकल्लुफ किया, अभी तो मैं इतनी का बड़ी हीरोइन भी नहीं हूँ जो ये सब डिजर्व करती। तुम फिक्र मत करो, मैं बना दूंगी ना तुम्हें टॉप की हीरोइन। ऐसे एक बात बताऊँ, एक प्रोड्यूसर हाथ लगा और वो न्यू फेस ढूंढ रहा है। कौन है, क्या क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है? पर करो, इतनी भी क्या चलती है, सब रिवील कर दूँ अभी से। आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। हाँ हाँ, व्हाट्सएप से चल रहा है। Shiraz saab, I have to take this call. Bahut important hai. Please, aap chaliye, main aata hoon. Okay. Hello? Ji. अस्सलामुअलैकुम शिराज साहब, आप यहाँ? हम तो डिनर करने आए हैं, आप गालबन मैगजीन की एनुअल पार्टी कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझे आप, आए ना आप हमें ज्वाइन करें? नहीं, आप लोग इंजॉय करें, मैं ऑफिशियल डिनर पे। अरे सर, थोड़ा सा टाइम दें हमें, आप आपको अपनी नई मॉडल से मिलवाते हैं। अच्छा चल, अच्छा लग रहा है। ये है मिस पलक, हमारी न्यू मॉडल और आने वाले वक्तों में इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन। ये हैं शिराजी साहब, इस मुल्क के जाने माने बिजनेसमैन। अरे मिस फलक, कैसी हैं आप? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप जानते हैं एक दूसरे को? जी जी, थोड़ा बहुत तो तारुफ था और बाकी अब हो गया। कोई बात और कोई नया झूठ, मैंने मना किया था ना उसके बावजूद भी तुम गई। मेरे ऑनर में पार्टी रखी गई थी तो क्यों ना जाती? तुम्हारे ऑनर में पार्टी थी और तुमने मुझसे कहा कि एनम की बर्थडे है, तुमने यहाँ भी मुझसे झूठ कहा। तो सच बोल के कौन सा इजाजत मिल जाती? मैं जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है, जरा सी भी। किस बात की शर्मिंदगी कबीर, किस बात की शर्मिंदगी? लोग जान रहे थे मुझे, पहचान रहे थे, इज्जत दे रहे थे मुझे। इज्जत कहती हो तुम इसे? तुम्हारे लिए इज्जत है लोग? एक अनजान शख्स तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा हुआ था, तुम हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, तुम्हें अच्छा लग रहा था, ये सब कुछ, ये आजादी चाहिए तुम्हें, ये सब कुछ करना चाहती हो तुम? कबीर आप कुछ नहीं समझ रहे, मेरा करियर है ये,
आपको तो हर बंदे से मसलों पे किस किस बात पे इतराज करेंगे? हर उस बात पर जिस पर मुझे इख्तलाफ होगा पलक, हर उस बात पर एतराज करूंगा। मुझे एतराज है तुम्हारे खुलिये से, तुम्हारे इस काम से और तुम्हारे उन लोगों से है मुझे एतराज। आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, दबकुत है मेरे इस घर में। शट अप। अगर आज ये सब कुछ होने के बावजूद भी मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ ना इस वक्त, तो सिर्फ हमारे होने वाले बच्चे की वजह से। नहाज, तुमने मेरा मान, मेरा भरोसा सब कुछ तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया तुमने। पलक, अगर आज के बाद तुमने ये हरकत की ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस रिश्ते को भूल जाऊंगा। एंड आई मीन इट, एक भी गलती टॉलरेट नहीं करूंगा। याद रखना, हटो मेरे रास्ते से। कहाँ रह गई हो? आई क्यों नहीं अभी तक घर? कब से वेट कर रही हूँ। मामा, मैं घर आ गई, आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे हेलो, क्या हॉस्पिटल? आप कैसी है? वो बेहतर है, लेकिन संभली नहीं जा रही। जवान उम्र में बेवकी का दुख बहुत बढ़ा है। अल्लाह नाजिश बेटी को सब्र दे, हिम्मत दे। आमीन। मैं उसे देखती हूँ ना तो दिल कट के रह जाता है। पहाड़ जैसी जिंदगी होगी आगे जाके उसकी। बेटियों के नसीब से तो डर ही लगता है। क्या करें, बस आप दुआ कीजिए। हम माँ बाप बेटियों को सब कुछ देते हैं, बस उनकी खुशियों की कोई गारंटी नहीं दे सकते। सोफिया बहन, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान होंगी, शादी रुक गई है ना, लेकिन बेफिक्र रहें, हम यहाँ के मामला हल करके ना जल्दी वापस आ जाएंगे। आप परेशान ना हो, अल्लाह करम करेंगे। मुझे दरअसल आपसे गुजारिश थी, क्या हम शादी 6 महीने आगे नहीं कर सकते? 6 महीने? लेकिन 6 महीने तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप नाजिश की इद्दत के बाद रख लेते तो बेहतर हो जाता। हमने भी यही सोचा था, लेकिन बेचारे का हाल इतना बुरा है, उसका ट्रॉमा ख़त्म होगा तो आगे कुछ सोच सकेंगे ना हम। चले, जैसे आपको बेहतर लगे। अल्लाह नाजिश बेटी को सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। दुआ कीजिए अगर मेरी बेटी को सब्र आ जाए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब्र देंगे, वो ही सब्र देने वाले। आप परेशान ना हो, फिर बात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी भाभी, कल तो मुझे कह रहे थे कि फलक अपने फ्रेंड्स के किसी ग्रुप के साथ दुबई गई है घूमने के लिए। हाँ, वो फ्रेंड्स के साथ ही गई थी। कबीर, ये क्या है? Thank you.
पलक, तुमने दुबई में शूट करवाया था, क्या हो गया कबीर? सब खैरियत? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, तुमने शूट करवाया था या नहीं? हाँ करवाया था। मेरे मना करने के बावजूद भी क्या करती? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा देती? हमारे रिश्ते से ज्यादा तुम्हारे लिए वो कॉन्ट्रैक्ट अहम है। मुझे समझ नहीं आ रहा आपका मसला क्या है। दो अलग अलग मैटर्स को क्यों साथ जोड़ रहे हैं और एक शूट ही तो करवाया। व्हाट्स बिग डील? इट्स अ बिग डील पलक, इट इज अ बिग डील। मेरे लिए मेरा रिश्ता अहम है और जिस रिश्ते में एतमाद ना हो ना वो रिश्ता खोखला होता है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने मेरा भरोसा और मेरा एतमाद तोड़ा है। तुम्हें हमारे रिश्ते या अपने करियर में से किसी एक को चुनना होगा। कबीर, फैसला तुम्हारा है। कबीर, 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 आप क्या कह रहे हैं? आपको अंदाजा भी है? तुम्हें अंदाजा है? जरा सा भी एहसास है तुम्हें? मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे झूठ से, तुम्हारी मनमानियों से। तंग आ गया? मुझसे तंग आ गए आप? हाँ तंग आ गया हूँ मैं यार, तंग आ गया हूँ तुम्हारी बेवकूफियों से। लेकिन अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हाँ तो ठीक है ना, मुझे भी पता चले कि आपके जहन में चल क्या रहा है। जो मेरे जहन में वो मैं तुम्हें बता चुका। अंदर जाओ तुम, कमरे में जाओ। मैं क्यों जाऊंगी कमरे में? इतनी बड़ी बात कह दी आपने मुझसे और आप चाहते हैं कि मैं खामोशी से कमरे में जाकर बैठ जाऊं? मेरे खुदा, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? पलक, बात को मत बढ़ाओ। मैं बात को बढ़ा रही हूँ, आप बात को बढ़ा रहे हैं। क्या गलत कर दिया अगर मैंने इतना सोच लिया कि मैं भी खुलकर सांस ले सकती हूँ, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती हूँ? मैं आपको तो ऐसा नहीं समझती थी। इतना मान, इतनी मोहब्बत दी है मैंने और आप एक छोटी सी बात ना मानने की वजह से आप मुझे छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। इस घर में जिसका जो दिल आता है वो वही करता है, कोई किसी से नहीं पूछता। लेकिन जिसका दिल करता है वो मुंह उठाकर फलक को पूछने आ जाता है, फलक की बेइज्जती करने आ जाता है। आप सब चाहते हैं कि फलक आप लोगों की मर्जी से जिंदगी गुजारे जैसे मैं कोई पपेट हूं ना। क्या हो गया फलक, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये पागल हो गई हूँ मैं, आप सब लोगों ने पागल कर दिया है मुझे। संभालो तुम खुद को। कभी तुमने जैसा क्या कहा है? आप तो रहने ही दें भाभी, आप भी इन्हीं की साइड लेंगी, इन्हीं की तरफदारी करेंगी। बगैर बताए दो एक क्या कर ली, मुझे छोड़ने की बात करे, तलाक देना चाहते हैं मुझे। भाभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसी कोई बात की ही नहीं मैंने। क्यों बिला वजह बात को बढ़ा रही हो? तो खुदा का खौफ करे मुझ पे रहम करे कबीर, तलाक की धमकी दे दी, मुझे छोड़ना चाहते, कुछ छोटी बात है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बहुत शौक है ना तुम्हें तमाशा करने का, बहुत शौक है ना? तो ठीक, अब कहता हूं मैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी फलक तो मैं ऐसा भी कर सकता। कबीर, ये क्या तरीके बात करने की और हो क्या गया तुम्हें? सारे तरीके आजमा चुका हूं भाई, मैं उलझ गया हूं, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तंग आ गया हूं मैं इसके ड्रामों से। कबीर, कबीर, फलक, चिप, संभालो आप, अंदर कमरे में चलो। कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी की हमदर्दी की, रहने दे आप। पता नहीं किस बात का गुस्सा था, मुझ पर हाथ तक उठाने लगे थे। भाभी मैंने आज तक उसकी हर गलती को बर्दाश्त किया है, लेकिन सच कहूं तो मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो गई है। साथिया, साथिया। नानो, पापा कहाँ गए? मुझे उनके साथ जाना है।
बेटा बाबा इस दुनिया में नहीं है, वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए। बाबा मैं मियाँ के पास कहूँगा, मुझे साथ लेके क्यों नहीं गए? बेटा नहीं ऐसे नहीं कहते, वो देखो तुम्हारी नानो इधर है ना, अगर तुम चली गई तो मैं अकेली हो जाऊंगी, तो मेरे साथ भी तो किसी ने रहना है ना? सही है, वॉश में बैठ। सुल्ताना बेगम से मैंने बात की है, कहा है कि शादी की तारीख आगे करते हैं, अभी नाजिश का हाल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था उसकी इद्दत पूरी हो जाए तो कर लेते हैं, मैंने कहा नहीं थोड़ा उसको वक्त चाहिए होगा, जब रिकवर कर जाएगी तो हम सोचेंगे। तुम अगर नवाल से बात करोगे ना तो उसको भी समझा देना, तुम तो पूरी सिचुएशन जानते हो बेटा। मुझे बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, वेल एजुकेटेड है, और शादी के बाद बीवी को भी बाहर ले जाएगा। मैं सोच रही थी उन्हें घर पे इनवाइट कर लूं, इस बहाने लड़के को भी देख लेंगे। वाह मम्मा, मैं तो कहती इसी संडे इनवाइट कर लें, नवाज आपकी की शादी होगी, कितना मजा आएगा ना। अम्मी बेटा, अम्मी आप रो क्यों रही हैं? कितना अरमान था मुझे तुम्हारी शादी का, किस्मत भी क्या क्या खेल खेलती है ना। इंसान सोचता क्या है और हो क्या जाता है। अम्मी जिंदगी में सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक तो नहीं होता, और फिर आपने मुझसे कहा था कि शायद इसमें कोई बेहतरी हो, तो मुझे बहादुर बनाकर तर्स देकर खुद मैं ही सो के बैठी हुई हूँ। चले परेशान मत हो, कुछ नहीं हो। हाँ फलक, तुम रो रही हो, क्या हुआ? फलक मुझे बताओ क्या बात है। नवाज आप ही, आप बस मामा को लेके जल्दी से यहाँ आ जाए। ठीक है हम आ जाते हैं, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। नहीं आप बस जल्दी से आ जाए। क्या कह रही है, क्या हुआ है? पता नहीं, बस कह रही थी कि आ जाए, बहुत रो रही थी। अल्लाह रहम, मेरे मालिक क्या हो गया। हाँ बेटा बोलो, क्या परेशानी है? सोच रहा था कि बच्चों की तबीयत अब काफी बेहतर है, तो अगर मैं पाकिस्तान चक्कर लगा लूं, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स भी हैं और आप भी यहाँ पे हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे तुम मुनासिब समझो, लेकिन जल्दी वापस लौट आना, यहाँ पे राहिल का बिजनेस, प्रॉपर्टी सब तुम ही संभालोगे अब ना। या आई नो, आप फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगा, मैं बस एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। लेकिन आप उनसे पूछ लें कि वो यहीं पे रहना चाहती हैं, हमारे साथ पाकिस्तान शिफ्ट होना चाहती हैं। नहीं नहीं, पूछने की क्या बात है, हमारे साथ वापस जाएगी, यहाँ अकेली कैसे रहेगी, कोई नहीं यहाँ उसका। नहीं ये भी है, लेकिन आई थिंक फिर भी आप एक दफा उनसे पूछ लें, उनकी रजामंदी का पता होना जरूरी है। बात करती हूँ मैं। अगर कबीर को फलक की मॉडलिंग पर एतराज था
तो उसने पहले इजाजत क्यों दी? वो मना कर देता और इस शोर शराबे की क्या जरूरत थी? कबीर को तो शुरू से ही एतराज था, शायद फलक ने आपको नहीं बताया। नामुमकिन, फलक कबीर की इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकती। भाई मैंने तो ये सोच के अपनी बेटी की शादी आपके खानदान में की थी कि आप लोग पढ़े लिखे लोग, मुझे हरगिज ये अंदाजा नहीं था कि आप लोग इस कदर दकियानूसी सोच के हामिल हैं। वरना मैं अपनी बेटी का हाथ कभी आप लोगों के हाथ में नहीं देती। हालत देखे इसकी। क्या कबीर का रवैया ऐसी हालत में इसके साथ मुनासिब है? अगर कुछ हो जाता है इसे तो मैं लेके जा रही हूँ अपनी बेटी को। उठो फलक। मुझे नहीं लगता ये मुनासिब है, आप किसी और दिन ले जाइएगा फलक को, आज मत लेके जाइए। कबीर ने फलक को छोड़ने की धमकी दी है, क्या इसका मतलब समझ रही हो तुम? फिर बेटी लावारिस नहीं है कि जिसका जैसे दिल में आए उसके साथ सलूक करे और क्या समझाए, कोई बोलने वाला नहीं होगा। देखिए मेरी गुजारिश है आपसे, आप गुस्सा ना करें। किसी ने इसे कुछ भी नहीं कहा, इन दोनों के दरमियान बस छोटा सा झगड़ा हो गया, कबीर ने गुस्से में बोल दिया, लेकिन उसके कहने का ऐसा बिल्कुल कोई मकसद नहीं था। मेरा ख्याल है हमें इस छोटी सी बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। छोटी सी बात? ये छोटी सी बात लग रही है तुम्हें? हालत देख रही हो फलक की? मैं मानती हूँ कबीर ने जो किया गलत किया और वो शर्मिंदा है इस बात पर, लेकिन देखिए इन दोनों के बीच जो भी मसला है उसका हल ये नहीं कि ये आपके साथ चली जाए, उसका हल यही है कि जो कबीर कह रहा है फलक वो मान ले। देखिए मियाँ बीवी के रिश्ते में कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें सब्र तहमल से बर्दाश्त करना होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने होते, ना चाहते हुए भी बहुत सारी बातें माननी पड़ती हैं। आप अलग को अगर अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं तो कुछ दिनों के लिए इसे ले जाइए और समझाइए इसे कि अगर घर और करियर में से किसी एक को बचाना पड़े तो घर बचाना चाहिए, यही अकलमंदी है। पता नहीं कबीर को क्या हो गया, इतने अनोइंग हो गए, बात बात पर झगड़ना लड़ना। वो तो कभी ऐसे नहीं थे, कितनी मोहब्बत करते थे मुझसे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। तुमने ये सारी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले तो सब ठीक ही था, पता नहीं बैठे बैठाए क्या हो गया उन्हें, हर चीज से मसला है। उनकी मर्जी के बगैर तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती, अब तो ये है कि सास भी उनकी मर्जी से। मेरा दम घुटने लग गया मामा। फलक इतना सब कुछ हो चुका है और तुम हमें अब बता रही हो, तो कैसे बता दिया? अभी आपकी शादी रुक गई थी, पहले ही आप लोग इतने परेशान, आप लोगों को बता के और परेशान नहीं करना चाहती थी मैं, तो अब भी ना बताती अगर कबीर मुझे डिवोर्स की धमकी ना देते। हाँ दे, क्या सोचा था हमने इन लोगों को और क्या निकले ये? क्या बताऊं मम्मा, पता नहीं किस बात का गुस्सा था, मुझ पर हाथ तक उठाने लगे थे। क्या तुम क्या कह रही हो? फलक कबीर तुम पे हाथ उठाने वाले थे? तुमने ये बात मुझे वहीं क्यों नहीं बताई? मुझे ये बताओ, मैं उनसे वहीं के वहीं बात करती। उठो संभाल, गाड़ी निकालो, मैं आज ही ये बात जाकर क्लियर करूंगी। मामा प्लीज रहने दे, अब इस बात का कोई फायदा नहीं है, ऐसी बात बढ़ जाएगी और। अरे बढ़ती है बात तो बढ़ जाने दो, बचा क्या है? ये बात तो करनी पड़ेगी ना, उनसे समझा हुआ क्या है उन्होंने? मामा रहने देना, इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताती थी, आप लोग भी कबीर को एक कसूरवार समझेंगे, जबकि कबीर का कोई मसला ही नहीं है, ये सब कुछ आलिया भाभी का किया है। वो ही कबीर को भड़काती रहती है मेरे खिलाफ, उल्टी सीधी बातें करती रहती है, और वैसे भी अब आप क्या ही बात करेंगी, अब बात करेंगी वो मुकर जाएंगी, इसलिए मना कर रही हूँ, जाने का कोई फायदा नहीं है, रहने दे। अच्छा तो रो मत, करते हैं हम इस बारे में बात। कबीर
सुल्ताना बेगम आई थी तुम्हारे जाने के बाद, फलक को वो अपने साथ ले गई है। क्या? तुमने जिस तरह से बात की थी फलक से, वो बहुत स्ट्रेस में आ गई थी। इतना लाउड नहीं बात करनी चाहिए थी तुम। भाभी मैंने आज तक उसकी हर गलती को बर्दाश्त किया है, लेकिन सच कहूं तो मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो गई है। मैं भी इंसान हूं, आखिर कब तक बर्दाश्त कर सकता हूं? बात तरीके से भी तो हो सकती है, जरूरी तो नहीं कि हर बात में हाइपर हुआ जाए। अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल करो। किस तरह तुम दोनों लड़ते रहोगे तो तुम्हें जो नुकसान होगा सो होगा, आने वाले बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम क्यों आए पिक करने? ड्राइवर पिक कर लेता। अच्छा, मेरे होते भी ड्राइवर क्यों आएगा पिक करने? मैं इसीलिए तो मैं नहीं बता रहा था। नहीं, बहुत अच्छा किया कि तुमने बता दिया मुझे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम्हें इतने अरसे बाद देखने के। दिल को एक सुकून सा मिल गया है। मुझे भी। बच्चों कैसी हैं आप? कैसी हो गया? बेहतर है थोड़ी। नवीन? नवीन बहुत सहम गई है। तो छोटी सी बच्ची, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो भी रात को सोते हुए डर के उठ जाती है। जाहिर सी बात है, इस ट्रॉमा से निकलने में वक्त तो लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएंगे। हाँ, आई होप सो। तुम पता है नवाल अभी जब मैं आ रहा था तो बच्चों मेरे गले लग के इतना रोई है, अभी वो बहुत डर गई है। उनको लगता है कि उनके हाथ से सब कुछ रेत की तरह निकल रहा। हमजा तो उन्हें हौसला दो, तसल्ली दो, उन्हें समझाओ कि इस सब में उनकी कोई गलती नहीं है, सारे किस्मत के फैसले होते हैं। लेकिन जब भी मैं उनके सामने जाता हूँ बहुत बेबस हो जाता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता मैं उनसे क्या बात करूँ, उनको क्या बोलूँ। मैं जिंदगी में कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखा, और अब हर वक्त उनकी आंखें आंसुओं से भरी रहती हैं। अजंडे आ गए तुम ऑफिस से? जी भाभी, बस ऑफिस में इतना काम नहीं था, एक दो विजिट्स से वो कर लिए, बस फिर दिल नहीं कर रहा था ऑफिस में बैठने का, इसीलिए घर आ गया। भाभी एक कप चाय पिलवा देंगी? जरूर। नूर, नूर जी। नूर, कबीर भाई के लिए एक कप अच्छी सी चाय बना दो, बल्कि काम करो दो बना दो। मैं जी ठीक है। ठीक भाभी, ये क्या है? ये फलक की कुछ चीजें और दवाइयां वगैरह। जल्दी में बेचारी ने जाना ही भूल गई थी, मैंने सोचा मैं दे आऊंगी, लेकिन अब तुम आ ही गए हो तो खुद दे आना। इसी बहाने तुम फलक की खैरियत भी पता कर लेना। है नहीं भाभी, मेरे सर में दर्द है। इनफैक्ट आपको भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर बहुत जरूरी सामान है तो ड्राइवर से कहें, वो दे आएगा। होती है फलक, तुम कहाँ गायब हो जाती हो?
शूट की डेट्स दी हुई है और मुझे कॉल्स आ रही हैं और तुम हो ही नहीं। आई एम सो सॉरी मारिया, एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं मामा के घर हूँ, मैं फिर शूट्स नहीं करवा सकती। तुम डेट्स आके बर्बाद होगी, मैनेज कर लोगी प्लीज? फर्क तुम्हारा अभी से ये हाल है तो तुम आगे जाके क्या करोगी? ये नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर तुम्हारा कैरियर तबाह कर देगा। आई नो बट आई एम सॉरी, तुम्हें नहीं पता घर के कुछ मसले चल रहे हैं, अभी उनको हल करना ज्यादा जरूरी है। घर की फिक्र छोड़ो फलक, करियर की फिक्र करो, तुम्हें समझाया था मैंने। कहना बहुत आसान होता है। देखो फलक, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए मूवी प्लान कर रही हूँ। तुम शुजा साहब को जानती हो ना, पता है ना कितने बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो न्यू फेसेस के साथ मूवी बनाना चाह रहे हैं। मैंने तुम्हारा पोर्टफोलियो उन्हें भेजा, उन्हें बहुत पसंद आया है। वो मुझे मीटिंग अरेंज करने को कह रहे हो और तुम हो कि यहाँ पर मुझे कह रही हो कि मैं सारी डेट्स कैंसिल कर दूँ। मूवी? नहीं नहीं नहीं, इस हालत में मैं मूवी नहीं कर सकती। इस हालत में मतलब? हाँ चा, आई एम प्रेग्नेंट। व्हाट? फलक तुम मजाक कर रही हो क्या? नहीं आई एम सीरियस, मैं भला ऐसा मजाक क्यों करूंगी? फलक तुम्हारे करियर का स्टार्ट है और अभी से ये झंझट। फलक एंड मस्त से तुम्हें ये झंझट नहीं पालने चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक फलक, अगर तुम्हें इस फील्ड में रहना है तो तुम्हें इन मसलों में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें इन सारी प्रॉब्लम से निकलना होगा, अपने करियर पे फोकस करो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो तुम्हें शुजा साहब से मीटिंग करनी है या नहीं करनी है तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। दिया तूने धोखा दिया।